क्यों बौखला रहा है चीन? बड़े एक्शन में है भारत, अब चीन से धोखा नहीं खाएगा भारत, चीन को देगा उसकी हर हरकत का जवाब। जी हां, भारत के पैगोंग झील के दक्षिणी इलाके में बड़े एक्शन के बाद चीन बौखला गया है। दरअसल चीन की सेना धोखे से भारत की सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर रही थी, लेकिन भारत ने जैसे को तैसा जवाब देकर उस इलाके में अपनी स्थिति और ज्यादा मजबूत कर ली। तो आइए आपको बताते हैं आखिर क्यों बौखला रहा है चीन। दरअसल 29 से 30 की देर रात चीनी सेना भारतीय सीमा की पैगोंग त्सो झील के दक्षिणी इलाके में घुसपैठ की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही भारतीय फौज को घुसपैठ की भनक लगी, उन्होंने चीनी सैनिकों को खदेड़कर ही नहीं भगाया बल्कि उस इलाके की सबसे ऊंची चोटी पर कब्जा जमा लिया। चीन के हमले के जवाब में भारत के स्पेशल ऑपरेशन बटालियन ने पैगोंग झील के पास पहाड़ी पर एक स्थान पर अपनी स्थिति और ज्यादा मजबूत कर ली है। भारत की इस तगड़ी कार्रवाई के बाद चीन बौखला गया है। भारत के सैनिक अब साउथ बैंक ऑफ पैगोंग शो में ऊंचाई पर स्थित है, जिससे वो चीन के मुकाबले एडवांस पोजिशन में है। ये ऐसी पोजिशन है जहाँ चीन की हर हरकत पर नजर रखी जा सकती है। दरअसल चीनी सैनिक फिंगर फोर की चोटी पर बैठे हैं और हाइट का फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब साउथ बैंक में भारतीय सैनिकों ने भी वही किया और ऊंचाई पर तैनाती कर डट गए हैं। इस बार से चीन और ज्यादा बौखला गया है। भारत दक्षिणी पैगोंग शो इलाके में मजबूत बढ़त बना चुका है और यहां लगे चीनी उपकरणों को उखाड़ कर फेंक दिया है। यहां रणनीतिक बढ़त मजबूत करने के बाद दक्षिणी पैगोंग शो झील से लेकर स्पैंगूर तक भारत ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। चीन की चालबाजी से सावधान भारत ने इन इलाकों में अपनी निगरानी और ज्यादा बढ़ा दी है। भारतीय सेना ने न केवल दक्षिणी पैगोंग शो झील इलाके में मजबूत स्थिति बनाई है बल्कि चुशुल इलाके में सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है ताकि चीन की किसी भी हिमाकत को रोका जा सके। भारत ने स्पैंगूर गैप, रेजोंग लॉ और रेचिन लॉ के पास सेना के T-90 टैंक की भी तैनाती कर दी है। तो भारत की इस कार्रवाई से चीन पूरी तरह बौखला गया है। बता दें 15 जून की देर रात चीन ने गलवान घाटी पर धोखे से हमला कर दिया था, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। क्योंकि ये हमला धोखे से किया गया था, इसलिए भारतीय फौज उस वक्त तैयार नहीं थी, लेकिन अब चीन को उसकी हर हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, जो चीन के लिए एक सबक साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप, दिल्ली। Yeah.